तो दोस्तों अब आप देखें ये कि वर्दी वाले को भी पीसीबी ने नहीं छोड़ा। वर्दी वाला आप समझ गए क्योंकि फखर जमान जो है ना, आप कहाँ जो है ना, वो कौन सा लिबास, कौन सा यूनिफॉर्म पहन के क्या कर रहे होते हैं, और जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कौन सी किट पहने हुए होते हैं। तो एक वर्दी वाले को भी पीसीबी ने नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद खान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया है तो पीसीबी ने जो है ना कौन कौन से खिलाड़ी का इंतखाब किया है। और दोस्तों हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की। जैसा कि आपको पता है कि एक टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया है और एक टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गया है। अब तीसरा टेस्ट मैच कल से स्टार्ट हो रहा है जो कि रावलपिंडी में स्टार्ट होगा, और आपको पता भी है कि मौसम कुछ चेंजेस आ रही हैं और हल्की फुल्की बारिशें भी हो रही हैं। तो आप दो दिन से देख भी रहे होंगे कि उसको पिच को जो है ना पंखे की मदद से सुखाया जा रहा है क्योंकि नमी काफ़ी है। और इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का अनाउंस कर दिया है, और पाकिस्तान की टीम के लिए एक बुरी खबर यह है कि मीर हमज़ा जो है वो कमर की तकलीफ़ का शिकार हो गए हैं, और मुझे लगता है कि तीसरे टेस्ट में मीर हमज़ा की शिरकत मशकूक लग रही है। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि अगर मीर हमज़ा नहीं खेल ले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक स्पिनर का और इजाफा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना स्पिनर की वजह से ही मैच जीता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक स्पिनर का और इजाफा करें और अपनी टीम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेके ग्राउंड में आएँ। और हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये तीसरा टेस्ट मैच जीत जाए और पाकिस्तान सीरीज 2-1 से जीत जाए, क्योंकि अब जब पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीता है तो पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं उनको बहुत खुश हैं, और ख़ास करके शान मसूद और उनकी टीम में काफ़ी कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। ज़ाहिर है जब एक टीम हार रही होती है और जब टेस्ट मैच जीती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और उसके अलावा जो है आपको मालूम है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना अच्छी चल रही है, और जब से बाबर आजम को टीम से निकाला नहीं मतलब उनको रेस्ट कराया है, बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और उसके अलावा सरफराज अहमद, तो इन चारों को टीम से निकाल दिया है रेस्ट कराने के लिए। तो दोस्तों सारी जिम्मेदारी शान मसूद, साइम अयूब, कामरान गुलाम, नसीम आगा और इन सब खिलाड़ियों पर होती है कि ये पाकिस्तान की टीम के लिए टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें। और आपको मालूम है कि हमारी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस पिच पे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करें। नुमान अली और बाकी दूसरे जितने भी हमारे स्पिनर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान जो है ना ये टेस्ट मैच जीते। और पाकिस्तान का आपको दोस्तों पता है कि पाकिस्तान की रैंकिंग इस वक्त जो है ना वो 8वें नंबर पर आ गई है, 90 से 8वें पर आ गया पाकिस्तान। तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की जो ये हो रही है इसमें मुश्किल है कि पाकिस्तान जो है ना वो तीसरे या चौथे पर भी आ सके। अगर ये पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता है तो मे बी पॉसिबल कि पाकिस्तान 7वें या 6ठे पर आ जाएगा। तो ये तो खैर क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब हमारी टीम को चाहिए कि अच्छी से अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें, और अगर बैटिंग पिच बनती है तो बैटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। और अगर पहली इनिंग में पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 400, 500 या 600 रन बनाए, और अगर स्पिन पिच बनती है तो उसमें इंग्लैंड की टीम भी फंसेगी और पाकिस्तान की टीम भी फंसेगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के पास लीज और बशीर है तो हमारे पास फवाद खान है और नुमान अली है। तो अब दोस्तों देखना ये है कि तीसरा टेस्ट मैच कौन जीता है। और आपको पता है कि आकिब जावेद भी पाकिस्तानी टीम में आ गए हैं एज ए कोच, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और उन्होंने लाहौर कलंदर को टाटा बाय बाय कह दिया है और लाहौर कलंदर से रिज़ाइन कर दिया है, तो अब वो पाकिस्तानी टीम में शामिल हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको बॉलिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। वो पाकिस्तान की टीम में जब थे तो उनकी इन स्विंग आउट स्विंग बहुत मशहूर थी और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस जितवाए। तो आकिब जावेद के आने से पाकिस्तानी टीम को खास करके फास्ट बॉलर को बहुत फ़ायदा होगा।
दोस्तों बात करेंगे हम पाकिस्तानी टीम की, जो पाकिस्तान में जो अभी रफली अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें काफ़ी नए खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया है। उसमें सुफियान मुकीम है, मेहरान मुमताज़ हैं, उसके अलावा कामरान गुलाम हैं, कासिम अकरम हैं, आरिफ मिनहास हैं, यासिर खान हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पीसीबी ने हमें नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, और यंग ब्लड होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये T20 खेलते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब 3 फॉर्मेट की टीम बनानी चाहिए। जो सिर्फ 4 ओवर कर सकता है उसको T20 खिलाएं, जो 10 ओवर कर सकता है उसको वनडे खिलाएं, और 15-20 ओवर जो कर सकता है उसको टेस्ट मैच खिलाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पीसीबी ने इन नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। और इसके अलावा दोस्तों बाकी तो आपको पता है कि रिजवान का सुनने में आ रहा है कि रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा, और बाबर आजम ने तो वैसे ही 3 फॉर्मेट से रिज़ाइन कर दिया है। तो रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिजवान जो है ना वो विकेट कीपिंग करते हैं, तो जो विकेट कीपर होता है वो ग्राउंड के चारों तरफ देख रहा होता है। और इसकी मिसाल आप सरफराज अहमद की ले लें कि सरफराज अहमद कप्तान रहे काफ़ी अरसे और उन्होंने 11 T20 सीरीज जितवाई है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सरफराज भी यही करते थे, भाग भाग के हर बॉलर हर फील्डर के पास जाके उसको समझा रहे होते थे, क्योंकि वो जो बंदा विकेट कीपिंग कर रहा होता है तो उसे उसको बैट्समैन की जो है ना कमज़ोरी का ज़्यादा पता चलता है कि इसकी क्या कमज़ोरी, इसको कहाँ बॉलिंग करा रही है। तो रिजवान बहुत अच्छी बात है कि रिजवान को जो है ना पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जा रहा है। और उसके अलावा दोस्तों सायम अय्यूब हैं और कामरान गुलाम भी आ गए, ये बहुत अच्छी बात है कि कामरान गुलाम को टीम में ले लिया गया, क्योंकि कामरान गुलाम एक अच्छे बैट्समैन है, उनके अंदर टैलेंट भी है, टेक्निक भी है और टेम्परामेंट भी है। हमें ऐसा ही प्लेयर चाहिए जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल हो। हम उठा के ले आते हैं कि भाई इसने सेंचुरी मार दी, इसको टीम में खिला लो, और उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करूँगा मैं किंग बाबर आजम की। बाबर आजम को भी इंशाल्लाह टीम में ले लिया जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन ग्राउंड काबा में 2019 में सेंचुरी मारी थी। जब उन्होंने ये सेंचुरी 2019 में मारी थी तो ये बताया जा रहा था कि 23 साल बाद पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी है। तो दोस्तों आप याद करें इन सब चीज़ों को, जो हम बाबर आजम को बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसको टीम से निकाल दिया बहुत अच्छा है, और जब टीम से निकाल देते हैं तो कहते हैं टीम से क्यों निकाला। तो बाबर आजम जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम को जो है ना वो दोबारा टीम में लिया जाएगा और मिडिल ऑर्डर में उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस का आपको मालूम है, हमें ऐसा ही बैट्समैन चाहिए जो विकेट पे खड़ा हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिचों में और पाकिस्तान की पिचों में, एशियन पिचेस और बाहर की पिचेस में यही फ़र्क है कि वहाँ पे पिचेस में इन स्विंग आउट स्विंग बॉल होती है, बॉम्बसी पिचेस होती हैं, ग्रास होती है। तो उससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारे जितने भी ऑलराउंडर हैं जैसे आमिर जमाल हैं, वो बैटिंग भी अच्छी करेंगे और वो बॉलिंग भी अच्छी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आमिर जमाल को भी टीम में, बहुत ज़रूरी है कि उनको टीम में लिया जाए। और बाबर आजम पे अब एक तो ये कि बाबर आजम पे प्रेशर तो होगा, क्योंकि बाबर आजम जो है ना दो टेस्ट मैच बाद टीम में शामिल होंगे। तो अब देखना ही है कि बाबर आजम को किस पोजीशन पे खिलाया जाएगा, क्योंकि बाबर आजम तो T20 में ओपनर या वनडाउन आते हैं और रिजवान के साथ, और उसके अलावा वनडे में जो है ना वो फोर्थ डाउन या थर्ड डाउन आते हैं। तो अब बाबर आजम पे भी बहुत प्रेशर है, तो अब देखना ही है कि बाबर आजम क्या स्कोर करते हैं और टीम में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो उसके अलावा पाकिस्तान की टीम जो है ना वो अच्छे खिलाड़ी लेके जा रहे हैं, और अब देखना ये है कि हमारी पीसीबी जो है ना, इन्होंने जो ये रफली अनाउंस किया है टीम का, इनमें से कौन से खिलाड़ी को शामिल करेंगे, कौन से खिलाड़ी को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि टीम में जो इन्होंने नए खिलाड़ियों के नाम बताए हैं 6-7 खिलाड़ी हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस होगी तभी इनको टीम में शामिल किया गया। ज़ाहिर है इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खेला होगा। और अब दोस्तों अब दौर ही T20 का है, और जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको टीम में लिया जाता है, और जो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको टीम से बाहर कर दिया जाता है। इसकी मिसाल जो है आप कामरान गुलाम की देने के, कामरान गुलाम में डोमेस्टिक में 15 सेंचुरियाँ मार चुके थे और फिर उनको टीम में शामिल किया गया, और उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और डेब्यू मैच में ही उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर ली। तो वो पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी स्कोर करी।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के टूर की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है ना इस टेस्ट सीरीज़ के बाद पाकिस्तान का दौरा है ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पाकिस्तान T20 और वनडे मैचेस खेलेगी। तो पाकिस्तान की टीम में काफ़ी उछाड़ पड़ाव हो रहा है कि अब देखना ये है कि किस किस को खिलाया जाएगा। जिस तरह टीम का एक रफली अनाउंस हुआ है तो उससे तो बहुत बड़ा चेंजेस लग रही हैं, लेकिन बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह तो टीम में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा दोस्तों 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी ख़राब भी थी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इफ्तिखार अहमद की। दोस्तों इफ्तिखार अहमद मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और वो हमेशा यही शिकायत करते हैं कि मैं जब पाकिस्तानी टीम में बैटिंग करने आता हूँ तो 3-4 ओवर पहले आता हूँ। तो मेरा सवाल है इफ्तिखार अहमद से कि भाई आप जो है ना चौके छक्के मारते हैं, तो चौके छक्के मारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 ओवर पहले भेजा जाए। इसकी मिसाल मैं इफ्तिखार अहमद के लिए दूंगा कि अभी जो नेशन कप हो रहा था उसमें तो आप 1 डाउन भी आए और पाकिस्तान आपकी टीम की लाइन लगी हुई थी तो 30-40 ओवर बाकी थे, तो उसमें तो आपने कुछ नहीं करा। आप ये शिकायत करते कि मुझे जो है ना वो बिल्कुल एंड में भेजा जाता है, तो एंड में भेजा जाए चाहे 1 ओवर हो चाहे 2 ओवर, आप तो मशहूर खिलाड़ी हैं ना, आप तो चौके छक्के मारते हैं। और मैं इफ्तिखार अहमद की एक बात बोलूँगा कि इफ्तिखार अहमद सिर्फ टेप बॉल की तरह जो है ना खेलते हैं, जैसे गलियों में और रोडों पे लोग खेल रहे होते हैं कि सिर्फ लेग पे छक्का मारना या पुल शॉट खेलना या हुक शॉट खेलना। मैंने आज तक इफ्तिखार को नहीं देखा कि कभी उन्होंने कोई खूबसूरत कवर ड्राइव भी मारा हो, हमेशा वो एक ही शॉट मारते हैं और उनको फुल टॉस मिल जाए उसमें छक्का मार देते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात याद दिलाऊंगा कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका गया तो अमेरिका की टीम से जब पहला मैच था हमारा, तो इफ्तिखार अहमद जो है ना वो सुपर ओवर खेलने गए और जब वो खेल रहे थे तो उनको इतनी अच्छी अच्छी बॉलें गिफ्ट मिली और उन्होंने एक छक्का नहीं मारा। और उसूलन जो है उनके साथ जो है वो फ़खर जमान थे, फ़खर जमान खड़े देखते रहे, लेकिन फ़खर जमान की ख़ास बात यह है कि वो एक लफ्ज़ नहीं कहते। हालांकि होना ये चाहिए था, फ़खर जमान को वो फेस करवाना चाहिए था क्योंकि फ़खर जमान लेफ्टी हैं और वो आराम से छक्के मार के पाकिस्तान को सुपर ओवर में मैच जितवा देते। लेकिन वही बात है कि लाइक डिसलाइक चल रहा था कि बस वो शाहिन शाह अफरीदी जो है ना वो चाहते थे कि या तो ये चला जाए, वो चला जाए या इफ्तिखार चला जाए। तो इन चीज़ों की वजह से हम जो है ना वो अमेरिका की टीम से पहली दफ़ा, यानी पहली दफ़ा हम T20 खेल रहे तो पहले ही मैच उनसे हार गए। दोस्तों उसके बाद करेंगे बात हम शादाब खान की। शादाब खान का आपने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड कप में क्या किया, वो बैटिंग में बिल्कुल नहीं चले, चाहे वो इंडिया की टीम हो चाहे वो अमेरिका की टीम हो, उन्होंने कोई अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया। हालांकि वो तो ऑलराउंडर मशहूर हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जाके वो कुछ रन्स करेंगे, उन्होंने कोई अच्छी बैटिंग नहीं करी। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने कोई ख़ास बॉलिंग भी नहीं करी। आपने देखा कि उन्होंने जो बॉलिंग करी उसमें वो कितनी उनकी पिटाइयाँ लगीं। और उसके अलावा दोस्तों जब शादाब खान श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलते हैं, PSL खेलते हैं, या जो हमारे पाकिस्तान में नेशन कप हो रहा होता है, तो उसमें तो उनकी बैटिंग बॉलिंग खूब चलती है, मतलब लगता ही नहीं कि वो क्या नाम है इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हों, तो उनको पाकिस्तानी टीम में क्या हो जाता है। तो जब वो श्रीलंका प्रीमियर लीग खेले थे तो वहाँ उन्होंने हैट्रिक भी करी, उसके अलावा उन्होंने वहाँ पर बैटिंग भी अच्छी करी, बॉलिंग भी अच्छी करी, फिर PSL में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, PSL में उन्होंने फाइनल ट्रॉफी भी जीती, कप्तान थे। तो एक बंदा जब कप्तान होता है तो उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद वो पाकिस्तान में जो नेशन कप हुआ तो वो भी उन्होंने फाइनल में ट्रॉफी जीत ली, उसमें भी उन्होंने बैटिंग भी करी बॉलिंग भी करी। तो मेरा साथ शादाब से सवाल है कि आप क्या सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं? जब पाकिस्तानी टीम में आपको जगह मिलती है तो आप कुछ करते ही नहीं हैं। एक इनिंग आपने साउथ अफ्रीका में खेली थी, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, आपको जल्दी भेज दिया था तो आपने बैटिंग अच्छी करी थी। उसके अलावा मुझे बता दें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, सिर्फ लीग मैचेस में आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जान के ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं, जान के ख़राब बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है शादाब खान, तो PCB ने शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को टीम से बाहर कर दिया है। और उसके अलावा आप देखना ये है कि उनकी जगह किसको लिया जाए। दोस्तों अब आखिर में बात करेंगे
हमारे हार्ड हिटर बैट्समैन फ़खर जमान की। तो सो जैसा कि आपको पता है कि फ़खर जमान ने जो है ना वो भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था वनडे वर्ल्ड कप, उन्होंने 126 रन बनाए थे जिसमें 8 चौके और 11 छक्के शामिल थे। वो फ़खर जमान की इनिंग जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में बहुत पसंद की गई। जैसे ए बी डिविलियर्स हैं, उनके बाद फ़खर जमान की इनिंग बहुत मशहूर हुई और उनको काफ़ी सराहा गया कि और उन्होंने वो मैच भी जितवा दिया और बारिश हो गई थी, पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, इस वजह से पाकिस्तान वो वनडे जीत गया। इस वजह से जीता क्योंकि फ़खर जमान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी। और दोस्तों फ़खर जमान की आपको ख़ास बात बताऊँ कि फ़खर जमान जो है ना वो बॉल को मेरिट पे खेलते हैं, ये नहीं कि वो जाके मारने वाली बॉल को भी टुक टुक कर रहे हों। फ़खर जमान का स्टाइल जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों की तरह है। इसकी मिसाल ले लें डेसमंड हेन्स, गोर्डन ग्रेनिज, विमन रिचर्ड, ये सारे खिलाड़ी ऐसे होते थे टीम के अगर 4 खिलाड़ी भी जीरो पे आउट हो जाएं लेकिन ये टुक टुक नहीं करते थे, ये बॉल को मेरिट पे खेलते थे और कहाँ से कहाँ स्कोर ले जाते थे। यही मिसाल मैं फ़खर जमान की दूंगा कि फ़खर जमान ग्राउंड के चारों तरफ बैटिंग करते हैं और बेहतरीन बैटिंग करते हैं और हार्ड हिटर हैं, और हमें ऐसा ही खिलाड़ी चाहिए टीम में जो कि हार्ड हिटिंग करता हो, जो कि 6 ओवर का पावर प्ले का फ़ायदा उठाए। आप बाकी इमामुल हक को देख लें और दूसरे खिलाड़ियों को देख लें कि वो टुक टुक कर रहे होते हैं, लेकिन फ़खर जमान जो है ना आउट हो गया तो आउट हो गया, लेकिन जब वो विकेट पे खड़ा हो जाए तो वो किसी बॉलर के नीचे, तो दुनिया का कोई भी बॉलर उसके सामने आ जाए। अब आपको पता चला होगा कि फ़खर जमान ने बाबर आजम का फेवर किया था और उन्होंने कहा था कि बाबर आजम को टीम से क्यों ड्रॉप किया गया, और उन्होंने कुछ बातें पीसीबी के अगेंस्ट करी तो पीसीबी ने फौरन उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया और उनको कहा गया कि अगर आइंदा आपने पीसीबी के बारे में कुछ कहा गया तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। ये तो सिर्फ कहा था, उसके बाद क्या हुआ, फ़खर जमान जो है वो फिटनेस टेस्ट के लिए आए ग्राउंड में और उनको टाइम दिया गया कि आप 4 मिनट में जो है ना 4 चक्कर लगा के दिखाएं ग्राउंड के। तो उन्होंने ग्राउंड के 4 चक्कर लगाए तो थोड़ा 8-10 या 20 सेकंड ज़्यादा हो गए, तो वो जब ज़्यादा हो गए तो उनको ये कहा गया कि आप जो है ना वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके। तो फ़खर जमान हैरान हो गए कि भाई मैं तो अपने हिसाब से सही भागा था, तो उनको ये कहा गया कि आपके घुटने का मसला है, आपके घुटने में इंजरी है, तो आप जो है ना वो मुश्किल है कि आपको टीम में शामिल किया जाए। तो दोस्तों अब आप देखें ये कि वर्दी वाले को भी पीसीबी ने नहीं छोड़ा, वर्दी वाला आप समझ गए क्योंकि फ़खर जमान जो है ना आप कहाँ जो है ना वो कौन सा लिबास कौन सा यूनिफॉर्म पहन के क्या कर रहे होते हैं और जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कौन सी किट पहने हुए होते हैं। तो एक वर्दी वाले को भी पीसीबी ने नहीं छोड़ा और उसको बहाना बना दिया कि तुम अनफिट हो। तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है पीसीबी के फ़खर जमान को जो है ना अगर ऑस्ट्रेलिया लेके नहीं गए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि फ़खर जमान एक हार्ड हिटर बैटर है। तो अब फ़खर जमान को इस बात का अफसोस भी हो रहा होगा कि मैंने ज़रा सा क्या कह दिया पीसीबी के बारे में, तो मुझे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, और निकालने का क्या तरीका किया कि उनको ये कह दिया कि अब आप अनफिट हैं तो आप टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो अब 3 खिलाड़ी हैं दोस्तों, उसमें फ़खर जमान है, शादाब खान है और इफ्तिखार अहमद है। तो इन तीनों खिलाड़ियों का डाउटफुल है और मैं समझता हूँ कि शादाब और इफ्तिखार का तो कोई फ़ायदा नहीं है टीम में आने का, लेकिन अगर फ़खर जमान को टीम से ड्रॉप किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फ़खर जमान की ख़ास बात यह है कि उसको किसी नंबर पर भी भेज दो वो कभी उफ़ तक नहीं करता कि यार मुझे, मैं तो ओपनर हूँ मुझे चौथे पे क्यों भेज दिया, मैं तो वन डाउन हूँ मुझे पाँचवें पे क्यों भेज दिया। यह आपकी इसकी मिसाल आप लोगों को पता है, T20 हो चाहे वनडे हो, फ़खर जमान को बहुत दफ़ा उसके साथ ऐसा किया गया कि उसको बैटिंग के लिए उसको सही नंबर पे नहीं भेजा जाता, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, वो खामोशी से जो भी सिलेक्टर उसको जिस नंबर पे भेजते हैं वो बैटिंग कर रहा होता है। तो ये फ़खर जमान की बहुत अच्छी बात है। अब उसने अगर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ़खर जमान और बाबर आजम की बहुत अच्छी दोस्ती है, और आपको याद होगा जब फ़खर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारी थी तो फ़खर जमान से ज़्यादा बाबर आजम जो बहुत क्या नाम है सेलिब्रेशन कर रहे थे, बल्ला घुमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि फ़खर जमान ने नहीं बाबर आजम ने सेंचुरी मारी है। तो अब देखना यह है कि अब क्या होता है कि फ़खर जमान को टीम में शामिल करते हैं नहीं करते हैं, और अब ये टेस्ट मैच जैसे ख़त्म हुआ तो फाइनली टीम का अनाउंस हो जाएगा। तो हम दुआ करते हैं कि दोस्तों कि पाकिस्तान की जो है ना एक अच्छी टीम का अनाउंस हो ताकि पाकिस्तान वहाँ जाके सीरीज़ जीते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।